नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज 5x upon x plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ 5x upon x plus 1 इंटू x² + 9 राइट इंटू dx. ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है राइट. आपने किए हुए ऐसे क्वेश्चन. सो अगर इस क्वेश्चन में हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं 5x upon x plus 1 इंटू x² + 9 इसको आप क्या लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू a upon x plus 1 लीनियर टर्म है a upon x plus 1 plus b. यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक टर्म है और ये क्वाड्रेटिक टर्म लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं हो सकती. इसके जगह आपको क्या लिखना है, इसके न्यूमरेटर में आपको क्या लिखना है bx plus c. क्या हुआ ये आपने पहले x² + 9 करेक्ट. सो दिस इम्प्लाइज 5x upon x plus 1 इंटू x² + 9 दिस इज इक्वल टू राइट साइड में आप एलसीएम लेंगे x + 1 इंटू x² + 9. यहाँ पर a इंटू x² + 9 होगा प्लस bx + c इंटू क्या होगा x + 1 करेक्ट. दिस इंप्लाइज 5x. एलसीएम दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे. 5x इज इक्वल टू राइट साइड में एक x² का कोफिशियंट यहाँ पर होगा एंड इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा bx². सो x² के कोफिशियंट्स आपके पास क्या आएंगे, यहाँ से a प्लस यहाँ से जो x² का कोफिशियंट आएगा दैट विल बी b प्लस यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी 9a राइट. अगर इस ब्रैकेट को आप ओपन करते हैं तो आपके पास क्या क्या टर्म्स होंगी, bx² देन प्लस bx फिर c यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई होगा cx + c राइट. x का कोफिशियंट यहाँ से आपके पास आएगा b + c. फर्स्ट टर्म में x का कोई कोफिशियंट नहीं है सो x का कोफिशियंट क्या होगा b + c करेक्ट. कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ से आपकी क्या होगी 9a और इस ब्रैकेट को ओपन करने से जो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म आई है दैट इज c करेक्ट. अच्छा देखिए जरा आप, अब लेफ्ट साइड में x² का कोई कोफिशियंट नहीं है और राइट साइड में x² का कोफिशियंट क्या है a + b. लेफ्ट साइड में x² का कोफिशियंट नहीं है मतलब x² का कोफिशियंट लेफ्ट साइड में क्या है 0. सो a + b को आप किससे कंपेयर करेंगे 0 से. a + b = 0 एक इक्वेशन आ गई आपके पास. सेकंड राइट साइड में x का कोफिशियंट क्या है b + c और लेफ्ट साइड में x का कोफिशियंट क्या है 5. सो b + c को आप कंपेयर करेंगे 5 से राइट. एंड राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट टर्म है 9a + c लेफ्ट साइड में कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है सो इट इज इक्वल टू 0 करेक्ट. देखते हैं जरा, यहाँ से आपके पास आ गया a = -b ठीक है. और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं a = आपके पास आएगा -b राइट. यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप इसको b के जगह आप, या b की वैल्यू -a हो जाएगी. b के जगह आप क्या लिख सकते हैं -a + c = 5 एंड ये टर्म क्या है 9a + c = 0. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. -10a = 5 a आपका क्या आ गया -½ राइट. a -½ आता है तो b आपका क्या हो जाएगा b will be ½. देन b + c = 5 b + c = 5 और b आप फाइंड कर चुके हैं हाफ. सो c will be 5 - b दैट इज हाफ. सो 5 - ½ दिस इज 4½ 9/2 सी आपका 9/2 आ गया. नाउ देखिए जरा, जो हमारा इंटीग्रेशन आई है इंटीग्रल आई को आप क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल i = इस कंप्लीट टर्म को आप यहां पर आप a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. a व्हाट इज a इज -½ upon x plus 1 प्लस व्हाट इज b ½ ऑफ x प्लस c कितना है
c is 9 by 2 upon x square plus 9. Correct? So 5x upon is, इसके जगह हम क्या लिखेंगे? अपने इंटीग्रेशन को हम इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे. माइनस ऑफ हाफ 1 अपॉन 2x प्लस 1, इस पार्ट को 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 को मैंने बाहर पहले लिख दिया है, सो इट इज x प्लस 1. इस पार्ट पे इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं, प्लस इंटू dx प्लस जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज हाफ x अप प्लस 9 बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ x प्लस 9 बाई 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx. I इज इक्वल टू माइनस हाफ 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ x प्लस 1 मॉड प्लस जो सेकंड पार्ट है, इसको आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, हाफ ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 करेक्ट dx प्लस 9 बाई 2, दिस 9 बाई 2 अपॉन अपॉन में क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9. 9 बाई 2 को मैंने आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया है, ठीक है. जो यहां पर न्यूमरेटर था हाफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, हाफ ये रहा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 बाई 2 अपॉन दिस 9 बाई 2 को मैंने आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया, तो बाकी बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx. सो दिस इज I इज इक्वल टू माइनस हाफ log ऑफ x प्लस 1 प्लस, यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड करना होगा, सो इट इज 1 बाई 4. अगर इसको आप t पुट करते हैं, 2x dx आपका क्या होगा, dt, इट विल बिकम लाइक dt अपॉन t, राइट, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t. सो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ t के जगह आप x स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे, क्योंकि अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो आप x स्क्वायर प्लस 9 को t पुट करेंगे, प्लस 9 बाई 2, इस यहां पर जो 9 है इसको आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, करेक्ट. नाउ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई ए, यानी कि 1 बाई 3, ए यहां पर क्या है 3, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स अपॉन 3 प्लस सी, राइट, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन होगा. कुछ टर्म्स इसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे इसको पावर में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है वैसे. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, पीछे जहां सेकंड एक्सरसाइज की थी हमने, वहां उसके एग्जांपल्स में भी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है. दिस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको आप, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, न्यूमरेटर में अकेला एक्स है तो वहां पर आप एक्स के साथ माइनस ए कीजिए, प्लस ए भी करना होगा आपको, एक्स माइनस ए प्लस ए अपॉन अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए. अब एक्स माइनस ए को आप एक सिंगल टर्म अज्यूम कीजिए, राइट, एंड ये एक सिंगल टर्म होगी, सो दिस इज, अगर इसको हम ए अज्यूम करते हैं, दिस इज लाइक बी, राइट. सो ये हमारे पास बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी, कॉस ऑफ बी इज व्हाट, ए माइनस, सॉरी प्लस, कॉस ए, ए के जगह क्या है आपका एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और बी के जगह के साइन बी, साइन बी के जगह आपका क्या है, ओनली ए. डिनोमिनेटर से आप इसको सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, यहां पर भी साइन ऑफ एक्स माइनस ए, दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर से इंडिविजुअली डिवाइड किया, इनटू डीएक्स, दिस इज इक्वल टू, इससे कट कर सकते हैं आप इसको, नाउ इट इज कॉस ए, कॉस ए कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ए एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स, क्योंकि कॉस ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इसलिए जब कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता है तो वहां पर साथ में क्या आ जाता है, एक्स प्लस,
यहां पर आप देखिए साइन कॉस अपॉन साइन, दिस इज कॉट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए. साइन ए आपका कॉन्स्टेंट है, साइन ए कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा. दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस साइन ए कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट एज इट इज रहता है. इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, कॉट ऑफ एक्स माइनस ए का, कॉट ऑफ एक्स माइनस ए. सो कॉट ऑफ एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ साइन मॉड साइन एक्स माइनस ए प्लस सी. करेक्ट, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. देखिए जरा एट्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 5 log x माइनस ई टू द पावर 4 log ऑफ x अपॉन ई टू द पावर 3 log x माइनस ई टू द पावर 2 log x राइट इंटू डी एक्स. ठीक है, log की एक प्रॉपर्टी होती है m log n, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ n टू द पावर m, राइट, जो नंबर या मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में लिखा जा सकता है. सो दिस विल बिकम e टू द पावर log ऑफ x5, e टू द पावर log ऑफ x5 माइनस, यहां पर आप ये 4 पावर में लिखा जा सकता है, e टू द पावर log ऑफ x4 अपॉन e टू द पावर log ऑफ, यहां पर भी 3 को हम पावर में लिखेंगे, x क्यूब माइनस e टू द पावर log ऑफ x स्क्वेयर, ये जो 2 है पावर में लिखा जाएगा dx. ये एक प्रॉपर्टी होती है e टू द पावर log ऑफ fx, देन e एंड log कैंसिल हो जाते हैं, दिस इज सिंपली इक्वल टू fx, शायद मैंने पहले भी आपको कई बार बताई हो. e और log कैंसिल हो गए, सो यू हैव नाउ x टू द पावर 5 ओनली माइनस, यहां पर e log कैंसिल हो गए, सो x 4 ओनली अपॉन, यहाँ क्या बाकी बचेगा, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पर बाकी बचेगा एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स. अब अगेन न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, और ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, लॉग डिवीजन. मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूँ कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है या इक्वल है, ऐसे केस में लॉन्ग डिवीजन होता है, बट 80% टाइम मैं देखता हूँ आप लोगों को याद नहीं होती है. यहां पर आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, और सिंपल आप इसको अगर सिंपल थोड़ा सिंपल वे में सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, यहां से x4 कॉमन ले लीजिए, सो यू विल हैव x माइनस 1, बाकी क्या बचेगा आपके पास साइड में x माइनस 1, नीचे से डिनोमिनेटर से आप x2 कॉमन ले लीजिए, सो आपके पास x माइनस 1 बाकी बचेगा इंटू डी एक्स. डिनोमिनेटर से x2 कॉमन लिया, यहां से x2 कॉमन लिया तो x बचेगा, x2 कॉमन हो चुका इसलिए यहां पर 1 है, अब x माइनस 1 कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर से इसको कैंसिल कीजिए, सो इट इज एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, राइट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. करेक्ट, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, 4 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स. बच्चों आपको साफ दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में जो कॉस एक्स है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सो आप पुट करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सो कॉस एक्स डी एक्स आपका क्या होगा डी टी, सो इट इज डी टी अपॉन, दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर. ये किसका डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स का, सो इसको आप लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, मैंने यहाँ प्लस में सी नहीं लिखा, साइन इनवर्स ऑफ टी इज व्हाट, साइन एक्स, टी क्या था आपका साइन एक्स प्लस सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो इट इज एक्स प्लस सी. करेक्ट, एक मिनट यार छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी, यहां पर ये 4 है राइट, सो क्या हो जाएगा ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 2 स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बताइए जरा, वन बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, सो इट इज वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, करेक्ट।